बस मेरे लिए ऐसी आइसक्रीम बनाओ। तो मेरे पास एक आइडिया है, तो चलो ताजे फ्रूट्स लेते हैं, मेरा फेवरेट ब्लेंडर, और ये रहा स्ट्रॉबेरी। पत्ते को हटा देती हूँ और फिर सबको ब्लेंडर में डाल देती हूँ, सभी चीज को। देखो कितना ताजा है, इसका रंग तो देखो, वाह अद्भुत। चलो ब्लेंडर को फुल स्पीड में चलाते हैं और इसे पीसते हैं। बनाना, कीवी, ठीक है दादी, लगता है कि मैं कुछ दिलचस्प लेकर आई हूँ। गमी बेयर और स्किटल्स, इसे कौन मना करेगा। अब सबसे स्वादिष्ट दूध और कोका कोला मिलाते हैं, और निश्चित रूप से मेरे फेवरेट चिप्स भी। उफ, पूरा पैकेट चला गया। खैर कोई बात नहीं, अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। चलो, कितना गंदा है। यह अच्छा है कि मेरे पास एक प्रोफेशनल आइसक्रीम मेकर है। क्रीम डालते हैं और सबसे स्वादिष्ट ओरियो और चॉकलेट भी मिलाते हैं। अब हमें स्पैचुला के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, तब तक जब तक कि सब एक समान मिल जाए। हाँ बस सुपर, ऐसा लगता है कि आइसक्रीम जम गई है, और अब इसे थोड़ा पलटना है, ऐसे रोल रोल करके, इस तरह से। बढ़िया, और इसे एक अच्छे कटोरे में रखना है और स्ट्रॉबेरी से सजाना है। वाह स्वादिष्ट। हाँ अब मेरे पास मोल्ड है, पहले इसमें स्ट्रॉबेरी डाला, फिर केला, फिर कीवी, और अब इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। तुम क्या कर रही हो बेटा? आह कितना भयंकर मिश्रण है। ओह यह खराब दिख रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मुझे क्या करना चाहिए? हाँ चलो इसे अभी तुरंत फ्रीज करती हूँ। अरे नहीं, मेरा चेहरा बहुत ठंडा था। खैर कोई बात नहीं, अब यह जरूर काम करेगा। अरे नहीं, यह कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओह दादी, क्या मैंने आपको जमा दिया? अब मैं क्या करूँ? ओह हाँ मुझे पता है, यह कंबल आपकी मदद करेगा। ठंड। ओह यह मेरी आइसक्रीम जम गई। ओह दादी माँ ठीक है, चल। ओ लगता है आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा जम गई है। उप्स। तो मैं क्या करूँ? सब तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मुझे प्यारा सा विनर दिख रहा है। ओ यह तो बहुत स्वादिष्ट है, स्ट्रॉबेरी भी। पर किसी चीज की कमी है। ओ और यह क्या है? इतनी बड़ी आइसक्रीम पर खराब बदबू आ रही है, इसका स्वाद भी खराब है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और यह क्या है रंगीन? फ्रोजन फ्रूट्स, स्वादिष्ट। कीवी, केला, ओ वाव बहुत अच्छा है, ये रहा विनर। अच्छा कौन जीता? ओ यह मैं हूँ। हाँ तो अगला टास्क होगा बर्गर। मैं इसे 2 सेकंड में कर सकती हूँ, ये नहीं हो सकता, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। वो फिर से अपने फोन पर है। ठीक है, ये दादी के बर्गर बनाने का समय है, और अंडे को कीमा में डालते हैं। बिल्कुल सही, अब इसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च डालना होगा। वाह और थोड़ा आटा भी, और सबको आपस में मिलाते हैं, और चलो यह मिश्रण तैयार है। अब इसे एक मोल्ड में डाल करके अच्छे शेप में लाते हैं। वाह अब इसे अवन में डालती हूँ। दादी आप अच्छा कर रही हो, लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, मैं अपने सिग्नेचर बर्गर के लिए रंगीन बंस बनाऊंगी। डो के साथ चमकीले डाई मिलाते हैं। ओह एकदम सही, और अब इस पर थोड़ा चमक जोड़ते हैं। बेलिसिमो बर्नर, थोड़ा इसे भूनना है। ओह बहुत बढ़िया, मुख्य बात है जलना नहीं चाहिए। हमारा बंस तैयार है। ओह मेरा कटलेट भी तैयार है, प्यार से बनाया गया। और ये गंध कैसी आ रही है?
कितना स्वादिष्ट। अब मैं क्या करूँ? सबसे अच्छा तरीका है ऑर्डर करना। हाँ, ओ मेरा ऑर्डर आ भी गया, धन्यवाद। हाँ, फ्रेंच फ्राइज, नगेट्स और मोज़रेला स्टिक्स और बर्गर और बस हो गया। चलो अब मैं कुछ करती हूँ, थोड़ा और इसमें सामान मिला देती हूँ और एक बड़ा बर्गर तैयार कर देती हूँ और ये बहुत अच्छा दिखेगा। अद्भुत, ये तैयार है। ओह, खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे कटलेट तैयार है। जरा इस रंगीन बन को देखो, चीज, टमाटर, खीरे, प्याज और सलाद, ऊपर से दूसरा बन और यह तैयार है। क्या? नहीं, यह उतना अच्छा नहीं है। इसे देखो, दिल सेब का कटलेट और थोड़े सॉस और बन। देखो यह अच्छा है। वाव, सभी बर्गर तैयार है। मुझे पहले कौन सा लेना चाहिए? चलो यह हरे रंग का लेती हूँ। बुरा नहीं है। और यहाँ क्या है? क्या यह बर्गर है? गंदा, ये एक असली बर्गर नहीं है। वाह, और यह तो बहुत ही दिलचस्प है। वाह, बहुत स्वादिष्ट असली बर्गर। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं खाया। ये विनर है। वाह, तुम? अरे वाह, मैंने बहुत कोशिश की थी। हुरे। हाँ, तो अब मुझे चाहिए कोका कोला। हाँ, ये आसान है। हम कोका कोला लेते हैं और तैयार। ये कितना स्वादिष्ट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। हाँ, चलो इसे खोला और थोड़ा पी लेती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मुझे ये कितना पसंद है। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? उफ़, मुझे कुछ सोचना होगा। एक आइडिया। एक सॉस पैन में एक चॉकलेट बार को पिघलाएंगे और उसमें एक और चॉकलेट बार डालेंगे। और चॉकलेट डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला देती हूँ। और ओह, अरे नहीं, ये गर्म है। नहीं, ओह बेटा, ये कैसे हो गया? तुम्हें ग्लव्स पहनना चाहिए। यह लो। ओह, धन्यवाद दादी। हम आगे जारी रख सकते हैं। चॉकलेट को बोतल में डालते हैं ऐसे। हाँ, और अब इसे अच्छे से मिलाते हैं और हमारी चॉकलेट की बोतल तैयार है। लास्ट टच बाकी है। चलो इसे खोलती हूँ। अरे खुल जाओ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह, आजकल के बच्चे। यह आसान है बेटा। ओह दादी, आप बहुत अच्छी हो। M&M's और इसे चॉकलेट कोका कोला में डालती हूँ। हाँ, दादी स्वादिष्ट और हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बहुत कुछ जानती है। हम ताजा ब्लूबेरी लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा। और अब मुख्य इंग्रेडिएंट, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी शहद। मेरी प्यारी पोती के लिए एकदम सही ड्रिंक है। हाँ, चलो अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं ऐसे, अच्छे से। और यह तैयार हो गया। और आजकल के बच्चे इसे क्या कहते हैं? स्मूदी। इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखना होगा, तब तक मैं स्वेटर बुन लेती हूँ। मैं निश्चित रूप से इस बार जीतने जा रही हूँ। मेरा कोका कोला बहुत ही यूनिक होगा। हम मोल्ड बनाएंगे। यह बेहतर है। गुलाबी न्यूट्रेला को सांचों में डालते हैं। बस इस तरह से किया और अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो चॉकलेट कोका कोला बोतल को देखो। अब इसके अंदर कुछ डालती हूँ। स्ट्रॉबेरी, छोटे केक, क्रीम और अब स्टिकर के बारे में भी हमें नहीं भूलना है। देखो, हमारा कोका कोला तैयार है। ओ, इतनी जल्दी?
और मैंने भी तो अपना काम कर लिया है। दादी इसे देखो, वो कहाँ गई हैं? ओह, मैंने एक पूरा स्वेटर बुन लिया। ओह, मैं कुछ सोचने लगी थी। अब मेरा हेल्दी कोका कोला निकालने का समय हो गया है। हाँ, यह तैयार है, चलो इसे पी कर देखो। ओह, मैं कुछ भूल गई। यस ठीकर, हाँ यह रहा। चलो अब इसे चक्कर बता। ओह, मैं सब कुछ आजमाने का इंतजार नहीं कर सकती। ओह, यह क्या है? यह तो, ओह यह चॉकलेट है और इसके अंदर M&M's है। वाह बहुत अच्छा बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। चलो अब दादी माँ की बारी है। ओह यह क्या है? ये तो जेली की तरह लग रहा है। वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा और बहुत अच्छा, मैं रुक नहीं सकती। हाँ चलो, और अब शेफ का कोका कोला, ये तो बहुत गुलाबी है और मुझे लगता है यह भी चॉकलेट है। वाह और इसके अंदर क्या है? वाह क्या यह जो मैं सोच रही हूँ सही है? ओह यह केक है, कितना बढ़िया। चलो अभी इसे खाकर देखती हूँ। स्ट्रॉबेरी और केक, बहुत बढ़िया, और यह विनर होगा। ओह हाँ यह मेरा मास्टरपीस है। और आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या यह क्या है? वॉफल, ठीक है यह आसान है। सावधान दोस्त वॉफल मेकर, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें दो अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है, आटा दूध अंडे। हाँ हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डाले और मैं सब कुछ मिलाऊंगी, बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया, मैं बस वॉफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी, बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वॉफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी और अब इसे बेक कर सकते हैं। ओह इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक करछुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है, चेरी। आह, अरे कैन नहीं खुल रहा है, मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी सोचो। हाँ यह सही है, स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ यह खुल गया है, दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी, इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वफल में जैम की बूंदी डालूंगी, बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। ओह यह शोर कैसा है, यह लो और अब यह लो ये। अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। ओह क्या वो जोर से था, माफ करना। खैर अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। वाओ कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध, मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प,
ओह, मेरी वफ़ल तैयार है। क्या खुशबू है। यह प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, यह बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? आह, मेरा वफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओ, क्या सभी तैयार है? जिसके लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़ा क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाओ, ओरियो वफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वफल सच में जीत गया। ये। तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल ना जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी। और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं। इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी। और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी। और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है, मेरे पास एक पिन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया, बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये सब, ये अच्छे हैं।
मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है, सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें चुपा चुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है, बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया, मेरे केक पॉप लगभग तैयार है। हमें व्हिप क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट, और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूंगी। कितना बढ़िया, ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया, और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बिट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। यह शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है। बस हो गया, मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है। और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे, यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ। जेस, वाओ, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूंगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है, मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है? ओह, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाओ, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है? वे प्रिंसेसेस हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए? तुम नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरे मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। कहाँ से शुरू करूँ? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ। सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है। इस तरह से, देखो ये अच्छा से हो गया है आटा। पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह, बेसिक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। ये इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम, पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ, सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं।
बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह, मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है। हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। तड़ा, सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों है? नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। यह खराब लग रहा है। वाह, लेकिन यह दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो यह चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब यह लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है। एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी। देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी। नहीं, तुम मुझे सिखाओगी। क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया। तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है। मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है। मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया। देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं। मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या, मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उप्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओह, मुझे भी मैदा चाहिए। ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है। और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग, तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए? जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो। पहले मैं आंख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होंठ, और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है।
मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है और बेटी के पेनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जेस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है, तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीच के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है। और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चक कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो, इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। ए, मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। इस बार मुझे एक बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ओह, सैंडविच! मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। मुख्य बात है बहुत सारी सब्जियाँ डालना। इस तरह से ये ज्यादा पौष्टिक रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े प्याज काटूंगी, फिर टमाटर। ओह, टोस्ट तैयार है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सैंडविच लगभग तैयार है। मेरी राय में ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरे पौष्टिक सैंडविच को। सब्जियाँ? उसकी क्या जरूरत है, वो बोरिंग होगा। मैं चॉकलेट सैंडविच बनाऊंगी और मार्शमेलो के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और बेकार सलाद के पत्ते की जगह मीठी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चॉकलेट और मार्शमेलोस तो कभी ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा सैंडविच तैयार किया है। एक साधारण सैंडविच तो सच में बहुत बोरिंग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असल में एक अच्छा सैंडविच क्या होता है। बस जरा इसे देखो। तुमने ऐसा सैंडविच तो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुपर सैंडविच होगा। इस तरह से इसको सजाना है। कैट को यह पक्का बहुत पसंद आएगा। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सा चुनूं। मैं शुरू करूंगी शायद साधारण वाले के साथ। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इतने सारे प्याज क्यों है? मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, उसकी परवाह किसे है? ओह, मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है। और ऑलिव्स भी? और प्याज का एक पूरा गुच्छा फिर से है। उफ, सारी चीजें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छी, इस सब में से मैं केवल हैम और चीज खाऊंगी। पर अगर सिर्फ ऐसी खाते हैं तो ये सैंडविच बहुत बोरिंग होगा। अच्छा नहीं है। नहीं, ठीक है जैस,
हो सकता है तुम जीत जाओ। जेस, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? ये कितना स्वादिष्ट है। जेस, बधाई हो, तुम इस बार जीत गई। आखिरकार ये